अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त रिफ़्रेशिंग रेसिपी लेके आई हूँ आपके पास, जो कि हमारी फैमिली रेसिपी भी है और इसका नाम है आम कलियाँ। एज़ द नेम इंडिकेट्स, हम इसमें आम यूज़ करेंगे, बट दीज आर रॉ मैंगोस। ठीक, बेसिकली दिस इज़ अ कोल्ड सूप मेड विथ फ्रूट्स एंड इट्स स्वीट एंड सार एंड टेस्ट। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे रखे हुए कैरियाँ जो मैंने चार ली थी, उनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया। फिर हमारे पास है खुबानी और आलूचे, मैंने ये आठ आठ लिए होंगे। ठीक है, आठ से दस आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक, इनके मैंने डीसीड कर दिए, सीड्स निकाल दिए। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे रखी हुई है दालचीनी, सॉल्ट एंड छोटी इलायची। देन वी हैव हाफ कप ऑफ शुगर। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है सेफ्रॉन एंड येलो फूड कलर। पैन में हमने ऑयल ले लिया है और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे दालचीनी और इलायची। जी, ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे कि ये कड़कड़ाना स्टार्ट हो गई हैं, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वाटर, विच इज़ 3 ग्लासेस। एज इट इज़ अ सूप, तो ऑब्वियसली इसके अंदर वाटर ऐड करना है हमें, और वाटर के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अ ड्रॉप ऑफ येलो कलर। हमें बहुत अच्छे से गोल्डन कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हाफ कप ऑफ शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बाद में आप टेस्ट करने के बाद। अच्छा, अब इस स्टेज पे मैं आपको बता दूं, मैंने इसके अंदर टोटल 3/4 कप ऑफ शुगर डाली थी। अब हमारा वाटर जो है वो बॉयल हो चुका है, शुगर इसमें डिसॉल्व हो चुकी है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें कैरियाँ ऐड कर रही हूँ। कैरियों को आपको 70% डन करना है। जब हो जाए वो 70% डन, तो इस स्टेज पे आप इसके अंदर ऐड करेंगे अपने फ्रूट्स। ठीक, अभी इसको बॉयल आ रहा है। जी, तो हमारी कैरियाँ जो हैं वो अब 70% डन हो चुकी हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी फ्रूट्स, दैट इज खुबानी और आलूचे। अब हमें इसको इतनी देर पकाना है कि ये सब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और इनका टेस्ट जो है वो इस सूप के अंदर शामिल हो जाए। ओके, आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है और हमारे सारा फ्रूट्स जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। ठीक, नाउ इट्स ऑलमोस्ट रेडी टू सर्व, बट हम पहले इसके अंदर ज़ाफ़रान के कुछ स्ट्रैंड्स डालेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बादाम पिस्ते जो कि हमने काट के रखे हुए थे। नाउ इट्स एब्सोल्युटली रेडी, जस्ट अ सिंगल बॉयल, और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। आप इसको चाहे तो गर्म भी सर्व कर सकते हैं या ठंडा भी, दोनों सूरतों में बहुत मज़े का लगता है, बट आई प्रेफर इट एज अ कोल्ड सूप। इन्जॉय कीजिए, मुझे यकीन है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज़।